हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं आपको बताऊंगा Xiaomi MI A1 एंड्रॉइड के ओरियो 8.0 अपडेट के बारे में, जो कि सस्पेंडेड हो गया है आफ्टर परफॉर्मेंस इश्यूज और कुछ इश्यूज आए थे इस अपडेट को लेकर। इसीलिए Xiaomi ने इस अपडेट को वापस कर दी। इस अपडेट को बंद कर दिया है ताकि आगे दूसरे यूजर्स को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्या इसके अपडेट होने पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, चलिए हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ये दो रोल आउट हुआ था एंड्रॉइड 8.0 ओरियो अपडेट का 31 दिसंबर को, और पहले इसका ट्रायल लिया गया था कुछ यूजर्स के साथ, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि ये अपडेट ओके है तो इन्होंने रोल आउट कर दिया 31st फॉर यूजर्स। लेकिन अपडेट करने के बाद ये Xiaomi का पहला मोबाइल है जो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम से संबंधित है, और अपडेट आने के बाद काफी लोगों ने इसे अपडेट किया है और काफी इश्यूज आने लगा है। उसके चलते कंप्लेंट्स के चलते इन्होंने इस अपडेट को वापस ले लिया है और उस पर वर्क कर रहे हैं। टेम्पररी इशू है लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ा है। इस अपडेट के बाद डायलर और कैमरा ऐप फ्रोजन हो रहे हैं और चल नहीं रहे बरोबर। फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं चल रहा है और काफी ऐप्स है जो इनएक्टिव हो गए और स्लो कर दिया है मोबाइल को, और बैटरी भी फटाफट ड्रेन हो रहा है, जल्दी खत्म हो रही है इस अपडेट के बाद। ब्लूटूथ भी एक्टिवेट करने के बाद काफी प्रॉब्लम आ रहा है और काफी अदर इश्यूज भी लोगों को आए हैं। उसी के चलते Xiaomi ने इस अपडेट को वापस ले लिया है और फिर से इसमें वर्क कर रहे हैं ताकि नया फ्रेश अपडेट आपको दे सकें। ये डायरेक्ट अपडेट गूगल की तरफ से ही आता है लेकिन Xiaomi पार्टनर है गूगल से और वो दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। उस हिसाब से मोबाइल तो काफी अच्छा है लेकिन जो अपडेट है वो काफी बग्स है उस अपडेट में। कुछ टाइम में फिर से इनका अपडेट आएगा ओरियो का 8.0 का, लेकिन वो फ्रेश होगा जिसे आप अपडेट कर सकते हो। वो कोई प्रॉब्लम उसमें होगा नहीं, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। आज इतना ही बताना था, ये मेजर न्यूज है। जो मोबाइल Xiaomi का वापर रहे हैं वो भी MI A1 का, फिलहाल अपडेट ना करिए अपने मोबाइल को वरना काफी प्रॉब्लम होगा। फिर फॉर्मेट करके आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ये न्यूज मैंने शेयर की है NDTV गैजेट्स 360 पर पब्लिश हुई है और मैंने वहीं से अब पर अब तक शेयर की है ताकि Xiaomi MY के जितने भी यूजर्स हैं वो फिलहाल अपडेट ना करें और बच जाएं इस अपडेट से। चलिए आज के दिन इतना ही बताना था। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।